ब्रह्मोस मिसाइल को तो छोड़ो, उसका भी बाप आने वाला है भारत। जो काम ब्रह्मोस भी ना कर पाए उसे चुटकियों में कर देगी RRB फिमटी मिसाइल। भारत और स्वीडन में होने वाली है ऐतिहासिक डील, स्वीडन लगाएगी भारत में प्लांट। दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान और उसके बाद उसका आका चीन भारत के साथ लगातार एक युद्ध का माहौल बनाते जा रहे हैं। चीन को लेकर दुनिया में जो रक्षा एक्सपर्ट हैं, जो रिसर्च एजेंसियां हैं जिन्होंने खासकर चीन को लेकर अपनी रिसर्च जारी की है, इनका कहना है कि चीन किसी भी देश से युद्ध करता है तो उसकी तैयारी वो 5 साल पहले शुरू कर देता है, यानी 60 महीने का समय वो युद्ध से पूर्व तैयारियों में लगता है। चीन भारत के साथ जिस तरह से तनाव पैदा कर रहा है, पहले LAC पर और उसके बाद हिंद महासागर में, उसे देखते हुए यही लग रहा है कि चीन भारत के साथ युद्ध कर सकता है और हिंद महासागर पर उसका झुकाव ज्यादा है। मालदीव और श्रीलंका में आप चीन की तैयारियों को देख ही रहे होंगे, इसलिए भारत भी इंडियन नेवी की ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। कुछ ही दिन पहले भारत ने फैसला किया था कि भारत हिंद महासागर की लहरों पर तैर रहे INS विक्रांत पर तैनात करने के लिए अपने दोस्त फ्रांस से ही 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए ऑन ऑर्डर दे चुका है। सब कुछ फाइनल है, सब कुछ ठीक रहा तो कुछ महीनों में फ्रांस भारत को पहला राफेल मरीन सौंप देगा। हालांकि भारत जानता है कि चीन के पास ऐसे कई युद्धपोत हैं, कई सारे पनडुब्बियां हैं जो न केवल विशाल याक और घातक हैं बल्कि अत्याधुनिक भी हैं, जिनमें वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए भारत अब ऐसी मिसाइलों को भी एक्वायर करने की सोच रहा है जो सबसे यूनिक हो, जो एक ही वार से दुश्मन की सेना का उसके कंट्रोल रूम से संपर्क ही तोड़ दे। आप सवाल कर सकते हैं कि इसके लिए तो भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल है जो विश्व की सबसे फास्ट रफ्तार से हमला करती है। तो आपका सवाल ठीक है, लेकिन भारत ऐसी मिसाइल चाहता है, ऐसी तकनीक वाली मिसाइल चाहता है जो ब्रह्मोस में भी ना लगी हो। और दोस्तों आप खुश होंगे ये बात जानकर कि भारत की तलाश अब खत्म हो चुकी है। भारत का एक मित्र देश स्वीडन भारत के लिए ऐसी ही शानदार मिसाइल दे रहा है जो भारत को असल में चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि ये ताकत में ब्रह्मोस की भी बाप है, क्योंकि किसी युद्धपोत को पूरी तरह से खत्म करने के लिए भारत को 2 से लेकर 4 ब्रह्मोस मिसाइल फायर करनी पड़े। वहां पर ये अकेली मिसाइल ही किसी भी बड़े से बड़े एडवांस वॉरशिप के चिथड़े उड़ा सकती है, फिर चाहे उसमें कितना भी एडवांस लेवल का डिफेंस सिस्टम क्यों ना लगा हो। अब स्वीडन इस मिसाइल को न केवल देना चाहता है बल्कि इसका पूरा का पूरा प्लांट ही भारत में लगाना चाहता है। दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये मिसाइल भारत की ब्रह्मोस का एक तरह से क्लोन साबित होने वाली है। बल्कि ब्रह्मोस जो काम एक बार में नहीं कर सकती वो काम ये मिसाइल आसानी से कर डालेगी। तो वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट में इस मिसाइल को खरीदने के भारत के डिसीजन के बारे में जो भी आप कहना चाहते हैं कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। भारत करने वाला है स्वीडन से मेगा डील। भारत लाने वाला है RBS-15 Mark III। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इस मिसाइल के बारे में एक और अहम बात जान लीजिए। दोस्तों इस मिसाइल को विनर चॉइस कहा जाता है, यानी कि विजेताओं की पसंद। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मिसाइल भारी भरकम नहीं है, ना ही इस मिसाइल का काम है दुश्मन देश को डराना या फिर उस देश में भयंकर तबाही लाना। इस मिसाइल का काम है असल में युद्ध के दौरान दुश्मन देश की सप्लाई चेन को ध्वस्त करना, दुश्मन देश की जो छावनियां हैं उनके बीच के संपर्क को तोड़ना, दुश्मन देशों के जो विशालकाय युद्धपोत हैं जिन्हें बड़ी बड़ी मिसाइलें धराशायी नहीं कर पा रही क्योंकि उन्हें युद्धपोत पर वर्ल्ड के बस डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, उसे डिफेंस को तोड़कर उस युद्धपोत को समुद्र के अंदर दफन करना, ये इस मिसाइल का असर काम है। यानी कि ये दुश्मन को डराने के लिए नहीं, दुश्मन को युद्ध में हराने के लिए बनाई गई है और इसीलिए इसे निकनेम दिया गया है विनर्स चॉइस, यानी कि वो देश जो कि हथियारों की प्रदर्शनी, हथियारों का शो ऑफ करके दुश्मनों को डराने की बजाय युद्ध के मैदान में हराने का इरादा रखते हैं उनके लिए मिसाइल बनी है और इसका असल नाम है और RBS-15 Mark III। इस मिसाइल को बनाया है स्वीडन और स्वीडन की कंपनी है साब ने।
आप जानते हैं इसका एक बहुत ही फेमस लड़ाकू विमान भी है ग्रिपेन, जिसे खरीदने के लिए भी भारत और स्वीडन के बीच बातचीत चल रही है। ये साब कंपनी अब अपने इस RBS-15 Mark III मिसाइल को भारत में मैन्युफैक्चर करना चाहता है और इसके लिए ये भारत में पॉसिबिलिटी भी ढूंढ रहे हैं। और ये मिसाइल केवल भारत को सिर्फ बेचना ही नहीं चाहते, स्वीडन इसे भारत में ही बनाना भी चाहता है, क्योंकि एशिया और अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने ये मिसाइल खरीदी हुई है। जैसे कि थाईलैंड ने स्वीडन से उसका साब लड़ाकू विमान खरीदा, तो अपने लड़ाकू विमान के लिए उन्होंने इस मिसाइल को ही चुना। इसके अलावा अल्जीरिया और कुछ और देश हैं जो कि इस मिसाइल को खरीदते हैं, और कई ऐसे देश हैं जो खरीदने की इच्छा रखते हैं। इसीलिए स्वीडन की कंपनी साब चाहती है कि भारत में इस मिसाइल का मैन्युफैक्चर बेस बना दिया जाए, जिससे कि इन देशों को तो सप्लाई किया ही जाए, साथ ही जो नए ग्राहक हैं उन्हें भी मिसाइल भारत से बनाकर बेची जाए। और इसके अलावा इसकी प्रदर्शनी भारतीय वायुसेना के सामने और भारतीय नौसेना के सामने की जाए। अगर उन्हें लगे कि वे हमारे हिसाब से सही मिसाइल हैं, तो वो भी इसे खरीदें। यानी कि ना सिर्फ भारत को बेचना, बल्कि भारत के आसपास के जो देश हैं उन्हें भी भारत से बनाकर ये लोग सप्लाई करना चाहते हैं। ब्रह्मोस की तरह ही डेडली, चीन के पास नहीं है ऐसी मिसाइल। दोस्तों, आरबीएस 15 मिसाइल ये टैक्टिकल मिसाइल है और इसमें वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया है। उदाहरण के लिए जे इसका गाइडेंस सिस्टम है वो वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट है। इसमें इंटरनल जीपीएस, टर्मिनल एक्टिवर रडार होमिंग जो कि जे बैंड के साथ आता है, उसे लगाया गया है। इसके अलावा जिसमें वॉरहेड है, यानी कि जो विस्फोटक लगा है, वो बहुत ही खास है। इसे TDW कहा जाता है और ये इतना ज्यादा स्पेशल है कि किसी भी बड़े शिप पर या किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर पर कितना भी मोटा आर्मर लगा हो, ये आसानी से उसे पेनिट्रेट कर सकता है। मतलब कि ये शिप के आर्मर के अंदर घुसकर तब विस्फोट करता है जिससे कि शिप एक झटके में पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। इसके शानदार वॉरहेड की मदद से एक शॉट, एक हिट, एक किल और टारगेट पूरी तरीके से नष्ट। इसकी रेंज करीब 400 किलोमीटर है। यही कारण है कि ये मिसाइल डराने के लिए नहीं, युद्ध जिताने के लिए है। खैर, आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत को ये मिसाइल खरीदनी चाहिए या नहीं।